एवरीवन होगा ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं काफ़ी दिन के बाद रेडी हुई हूँ बाहर जाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ब्लॉग शुरू कर दूँ, है ना। जैसे हम डेली ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं, तो हम अभी जा रहे हैं, पता कहाँ जा रहे हैं, सिस्टर इन लॉ के घर जा रहे हैं, जो सुनीता दी है तो उनके घर जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी मोरनी का कवर हटाया है, आज इसको मैं लेके जाऊँगी। इतने दिन से इसको चलाया नहीं, पता नहीं चलाना आएगा कि नहीं आएगा, बट अब मैं इसको लेके जा रही हूँ। मैं और भारती जी जा रहे हैं उनके घर, थोड़ा सा काम है, वो जाएंगे और जस्ट आ जाएंगे, फिर मिलते हैं उनके घर। स्कूटी हमने थोड़ी पीछे से लगाई, हम चल रहे थोड़ा सा पैदल, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़े थोड़े खड्डे हैं और खड्डों में स्कूटी चलाना इस वक्त सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और लोगों के सामने बोलने में शर्म आ रही है, मेन मसला ये हो गया था बीच लोग वहाँ पे ऐसे मुँह को देख रहे थे, फिर मेरे को थोड़ी सी शर्म आ गई। और अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं उनके घर। और पहले उसने इतना दिया फोन कितना बाज वाले क्यों कार ये नहीं है ना। अच्छा ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, घोड़ा रंग ना काला पड़ जाए, और धूप की वजह से मेरे को जुकाम भी हो रहा है। जैसे ने देख यहाँ पे मंत्र पे जा कर लो सारे, फिर बोला दिखाया नहीं था कुछ। गाइस यहाँ पे लोगों की कनक जो है थोड़ी सी पकने वाली है, इधर कितनी मस्त बीच बीच में गिर गई है, शायद किसी का जान पर या कुछ हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना यहाँ तो हवा की वजह से उड़ गई है सारी। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये मुझे पता नहीं किसका मंदिर है, ये मैंने ध्यान आज ही दिया क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे रात को ही आते हैं, और मुझे लगा नहीं था कि हम पहुँच भी जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे रात को है, दिन में कभी आए नहीं। और ये रहा उनका घर, ये वाला ये देख रहा, ये है इनका घर, और हम गए पहुँच के घर में, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना। देखो हमारे स्वागत के लिए इन्हें गेट खोल के ही रखा है, इनको लगा क्या इतनी मेहनत करनी है उन्हें। ये रहे गोलू की स्कूटी और इनकी बाइक, वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, जूता खोलना पड़ेगा पाई पड़ा नहीं ना पाला उसे गाइस ये हमारा भात और कड़ी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कैमरे में आना ही नहीं है। ठीक है अब हम खाएंगे, मतलब खाने तो नहीं आए थे बट जबरदस्ती खिला रहे हैं तो खा लेते हैं ना, अभी आ रहे हैं, उसके बाद मैं इनका घर दिखाऊंगी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इनका घर, आपको भी दिखाऊंगी मैं कैसा। जैसे मैं आपको बता रही थी ये इनका घर है, बाहर सारे ऐसे गेट से एंट्री, और यहाँ से चलते हैं अंदर, दिखाते हैं इनका पूरा घर एकदम मस्त है ना। ये देखो एंट्री में सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइंग रूम में, ये देखो भाई ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, ये रहा इनका ड्राइंग रूम, ये देखो है ना ऑसम, ये देखो भाई ये इनका ड्राइंग रूम है। अब हम चलते हैं रूम की तरफ, पहले हम किचन में ही चलते हैं, है ना। ये रही हमारी किचन, और ये सॉरी इधर ही घुस गई है, और हम चलते हैं यहाँ से, ये रहा पूजा रूम, यहाँ से इस साइड एक रूम इनका ये है, और दूसरा रूम इनका ये है, ये और ये स्टोर है, स्टोर दिखाना सबका मना होता है ना, मैं अपना दिखाती हूँ, ये देखो और ये एक रूम ये है, और यहाँ से ना बाहर के लिए भी है, दिखाती हूँ यहाँ पे ये सब्जी भी लगाते हैं, बता आपको बंद है अच्छा
अभी इधर से बाहर पहुंचना मुश्किल है, यहाँ से मैं बाहर नहीं पहुंच सकती। यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ से ना जगह है, यहाँ पे सब्जी लगाते हैं लेकिन अभी लगी नहीं हुई है। और ये सारा घर इनका है। इस साइड आओ, इस साइड आओ, सिलसिला आ रहा है। और ये वाह है ना, इतनी अच्छी लग रही है भाई। स्मिता दी पल है चिट्टे हो गया। और देख लो हम तीनों कितनी सुंदर लेडीज हैं। आज हम लड़की नहीं कह सकते क्योंकि हम लेडीज हैं, तो फिर लेडी कहने में क्या हर्ज है। तो है इनको हर्ज हो रही है। गाइस जिंदगी जियो, खुल के जियो, हंस के जियो। क्या रखा है यार चार दिन की जिंदगी है ना, क्या बोलते हो। बस चार दिन से ज्यादा भी सकती है, ज्यादा करा से बोलते हुए चार दिन करो। तो जिशी मारो और हम चलते हैं गाइस। और गाइस ये देखो, ये ड्रेस देख रहे हो, कोई मान सकता है इसको, ये हैंडमेड है। ये देखो ऊपर से रेडीमेड है। कोई मान सकता है ये रेडीमेड है, ये हैंडमेड है। और किसने बनाई है इन्होंने। अगर कुछ भी आपको इस टाइप का बनाना है तो आप नीचे अपना नंबर ड्रॉप कर देना, हम आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ये रही हमारी टेलर मशीन, टेलर ये मशीन इधर। तो हाँ हो गया। ये बहुत प्यारा है, नीचे से घेरा भी देख सकते हो कितना प्यारा है। और भी बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं ये, बट ये अभी सामने पड़ा था तो हमने सोचा कि उन्हें दिखा दें आपको। तो अभी कुछ भी आपको कुछ ड्रेसेस बनानी होंगी, मतलब आपने सिर्फ दिखाना है कैसे बनानी है, बना इन्होंने देनी है। तो आप किसी को बनानी है तो नंबर ड्रॉप कर देना, या तो मेरे को DM कर देना, तो मैं इनको शेयर कर दूंगी या आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे।